हेलो एवरीवन, यम्मी फूड विद मम्मी में आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया देसी सॉफ्ट ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आम पन्ना की रेसिपी। गर्मियों में लू मुँह से बचाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बनता है गाइस, और आप प्लीज़ आप खुद भी बनाएं, अपने बच्चों को पिलाएं, घर में सभी लोग इसको पिए। इसके लिए देखिए, आधा किलो कैरी को अच्छी तरीके से मैं यहाँ छील रही हूँ। धो लिया है मैंने पहले, उसके बाद इसके छिलका उतार के इसको बारीक बारीक काट देंगे। इस तरीके से देखिए, गुटली को अलग कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से गुटली को अलग करके और ये हम इसके बारीक बारीक टुकड़े जो है वो काट देंगे। ये देखिए, कुकर में एक गिलास पानी डाला है, इसमें ये सारी जो कटी हुई कैरी के पीसेस है ये सारे इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे दो गड्ढी यानी कि देखिए 20 ग्राम के करीब मैंने पुदीना लिया है। इसमें एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच जीरा पाउडर सिका हुआ, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ नमक डाला है, और 5 चम्मच पानी डाल के मैं इस पुदीने का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करूँगी। ये देखिए, पुदीने का पेस्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना है। अब कुकर को हमने गैस पे रख दिया है, 3 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, 3 सीटी के बाद में ये जो कच्ची कैरी थी हमारी इसके अंदर वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने पर हम मिक्सी में डालकर, ये देखिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस देंगे। पीसने के बाद देखिए गाइस, मैंने गैस पे इसको फ्राई पैन में डाल के चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 350 ग्राम में चीनी डाल रही हूँ। आधा किलो कैरी हो तो वैसे तो 300 ग्राम, लेकिन कैरी अगर खट्टी है तो थोड़ी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए, चीनी डालकर इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, यानी कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। देखिए, इसको हम पकाते रहेंगे, गैस हमारी लो मीडियम पे रहेगी, हमें गैस को तेज़ नहीं करना है और इसको अच्छी तरीके से बॉयल होने देना है। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल हो रहा है, बस इसी तरीके से बॉयल होता रहेगा और धीरे धीरे ये पेस्ट जो है एकदम गाढ़ा हो जाएगा। एक तार की चाशनी का हमें ध्यान रखना है। ये एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इससे एकदम ताजगी आती है पीने से, और गर्मियों में तो ये रामबाण इलाज होता है। लू नहीं लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये देखिए, एक तार की चाशनी बन चुकी है मेरी। अब मैं इसको नीचे उतार दूंगी, क्योंकि ये उतारने के बाद भी ये देखिए गाढ़ा होता है। ये देखिए इतना बढ़िया हमारा ये जो है ये आम पन्ना का जो ड्रिंक है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको किसी भी कांच के कंटेनर में डाल के भर के रख देंगे। देखिए, इस तरीके से ठंडा होने के बाद में मैंने इसको भर दिया है, कितना गाढ़ा पेस्ट एकदम तैयार हो गया है। अब जब हमें ड्रिंक बनाना हो तो हम ग्लास लेंगे और इसमें से 2 चम्मच भर के, ये देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच भर के हमने ये आम पन्ना डाला है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर डालेंगे आइस क्यूब्स ढेर सारी, और इसके बाद एकदम चिल्ड पानी डाल के और तैयार करेंगे हम एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक, वो भी आम पन्ना देसी स्टाइल में। गाइस, ये बहुत ही बढ़िया होता है। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी, देखना आप किस तरीके से कलर चेंज आता है। इसमें पुदीना है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, काला नमक डाली है, काली इलायची डाली है, काली मिर्च पाउडर डाला है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए, पुदीना तो सबसे ही बढ़िया होता है। ये देखिए, गर्मियों में ये ताजगी से भरा हुआ सॉफ्ट ड्रिंक है। आप बनाइए, अपने घर में सभी को पिलाइए। और ये देखिए, ये चटनी बना के इस तरीके से आप रख लीजिए, और जब आपके घर में कोई गेस्ट आए या आप लोग कहीं बाहर से आए तो ये घर में बना के पिए और पिलाएं। ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक होता है, इससे हमें गर्मी में बहुत ही फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लू, अगर हम धूप में कहीं जाके आते हैं तो हमें लू लगने की जो संभावना होती है वो इससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़